मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ मामले दे बारे विच कह दिती है वड्डी गल। कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा के लोगों से उसको माफी मांगनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ नूं पंजाब च ट्रांसफर करन दी मंग वाला प्रस्ताव पास करन दे लई पंजाब दी आम आदमी पार्टी सरकार दी शनिवार नूं सख्त निंदा कीती है। खट्टर ने आम आदमी पार्टी दे राष्ट्रीय कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते उहनां दे पंजाब दे हमरुतबा भगवंत मान नूं हरियाणा दे लोकां तों माफ़ी मंगण दे वास्ते वी कहा है। इस मौके दे उपर उहनां ने की कहा आओ सुणदे हां। सरकार ने ये जो किया है ये निंदनीय है। कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लौंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। उस समझौते के हिसाब से राजधानी वो हरियाणा की भी है, राजधानी पंजाब की भी है, और अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो वो आपसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, कई मुद्दे मिले जुले मुद्दे हैं। ये हिंदी भाषी एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरियाज जो हैं हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं, कुछ बातें कहें तो हम आगे बढ़ें। ये एक और निंदा योग्य विषय है, और मैं तो इसके लिए यहाँ तक कहूँगा पार्टी के नाते तो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा के लोगों से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के बारे में तुम की कहना चाहोगे कमेंट सैक्शन के आके अपनी राय साझी करना बिल्कुल भी ना भुलना। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।